नमस्त्री अतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चिस्सुखस्वरूपाय स्वामिने दापहरण। मंचस्थ उपस्थित कलेक्टर श्री, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री, इस शिक्षण संकुल के ट्रस्टी श्री पराग भाई, अन्य मान्यवर, प्रिंसिपल सर, अध्यापक वर्ग और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद जी का पूरे गुजरात में भ्रमण करने वाला रथ आपके स्कूल के प्रांगण में आज खड़ा है। इस रथ पूरे गुजरात के 250 तालुका में जाएगा। इसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी का 150वां जन्म साल, साथ साथ आज से लगभग 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद पूरा भारत को जानने के लिए परिव्राजक सन्यासी के रूप में निकले थे। और गुजरात के लिए एक सौभाग्य की बात है, स्वामी विवेकानंद इस गुजरात की भूमि पर भी आए थे और उन्होंने जितना भारत में भ्रमण किया है उसका 1/4 एक चतुर्थांश कालावधि उन्होंने गुजरात में बिताया है। जब स्वामी विवेकानंद द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए गए थे, तब भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद बाजू में आश्रम है, उस आश्रम में रात को ठहरे थे। उस समय उन्होंने एक दिव्य सपना देखा था, उसके बारे में स्वामी जी कहते हैं, मैंने देखा कि एक दीप ज्योति ऊपर आ रही है और अपने प्रकाश के द्वारा पूरे विश्व का अंधकार दूर कर रही है। तो उन्होंने कहा था कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से मैंने देखा है कि मेरी भारत माता फिर से ऊपर आएगी और हमारे ऋषि मुनियों का वारसा, हमारी प्राचीन संस्कृति लेकर पूरे विश्व को एक नया दिशा देगी, विश्व का नेतृत्व करेगी। ये महान भारत का सपना स्वामी विवेकानंद जी ने द्वारकाधीश के मंदिर के पास देखा था और हमें विश्वास है स्वामी जी के विचारों में और वाणी में वो सामर्थ्य है। यदि स्वामी जी के विचार आज के युवा पीढ़ी तक पहुंचे, समाज के हर घटक के पास पहुंचे, तो निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी ने एक उदार भारत का सपना देखा था वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में भारत के पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने एक जगह पर लिख के रखा है, इस समय यदि विवेकानंद इस धरातल पर नहीं आते थे तो शायद आज जो हम भारत की संस्कृति और विशेषकर हिंदू धर्म हम देख रहे हैं तो शायद देखने को नहीं मिलता। जब चक्रवर्ती साहब का ये सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो लगता है ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया हमारी संस्कृति के लिए, लेकिन थोड़ा सा इतिहास हम देखेंगे तो पता चलता है जिस समय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था उस समय हमारा देश एक गुलाम था, ब्रिटिश हमारे ऊपर साम्राज्य कर रहे थे और उस समय ऐसी शिक्षा दी जा रही थी कि देखो तुम लोग गुलाम हो, इसके पीछे तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे पूर्वजों ने जो बना के रखा है उसको जब तक तुम नहीं छोड़ोगे तब तक तुम गुलाम बनो, गुलामी रहोगे, तुम पत्थर में भगवान को पूजते हो, ये सब मूर्ख बना है, जब तक ये करते रहोगे तब तक तुम्हारी उन्नति नहीं होगी और उसके कारण हमारे समाज में एक विकृति पैदा हो रही। और ऐसी स्थिति में नरेंद्रनाथ कलकत्ता जैसे नगरी में एक युवक जिसके घर में सब कुछ ठीक था, उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, ऐसा एक युवक, उसके मन में एक प्रश्न उठता था, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? और यही प्रश्न को लेकर जो जो महान व्यक्ति उनके सामने आते थे उनको यही पूछता था, महाशय आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन किसी ने भी उसके प्रश्न का समाधान नहीं किया। जब उनके कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी, उनके द्वारा जब उन्होंने रामकृष्ण का नाम सुना तब कि नरेंद्रनाथ उनके सामने जाकर उनको यही प्रश्न पूछा, महाशय आपने ईश्वर को देखा है?